हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीरियड डेट से 4-5 दिन पहले हमने आईपिल या फिर अनवांटेड 72 ली है। अब 4-5 दिन आ गए हैं और हमारी पीरियड डेट भी आ गई है, लेकिन हमको पीरियड नहीं हो रहे हैं। पीरियड लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। काफी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है इस वीडियो में, जिससे कि आपको पूरी और सही जानकारी इस वीडियो से मिल सके। देखिए, आईपिल या फिर अनवांटेड 72 आप पीरियड डेट से 4-5 दिन पहले ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पीरियड डिले हो जाएंगे, यानी कि लेट हो जाएंगे। यानी कि आपको अब पीरियड 1 हफ्ते बाद भी आ सकता है, या फिर 15 दिन बाद भी आ सकता है, या फिर 20 दिन बाद भी आ सकता है। कोई फिक्स नहीं है इसका टाइमिंग। और पीरियड में ब्लीडिंग आपको पहले से कम या फिर ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि जैसी ब्लीडिंग पहले होती थी वैसी ना होकर कम या ज्यादा भी हो सकती है। पेन भी कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो ये बहुत ही कॉमन है। आपको आपकी पीरियड उस डेट पे नहीं आएगी। ऐसा नहीं समझना है कि उस डेट पे नहीं आ रही है तो हमको प्रेगनेंसी गई होगी, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी लगने के कारण ही आपको पीरियड ना आए ऐसा नहीं होता। पिल लेने के कारण भी आपकी जो पीरियड है वो रुक जाती है, डिले हो जाती है, या तो पहले ही आ जाएगी, यानी कि आज आपने पिल ली और डेट आपकी 4-5 दिन बाद की थी तो पहले ही आ जाएगी, यानी कि नेक्स्ट डे ही आपको ब्लीडिंग हो जाएगी 1-2 दिन पहले ही, यानी कि पीरियड डेट से 1-2 दिन पहले ही। और कुछ केस में 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में इस तरीके से भी हो सकती है और ब्लीडिंग कम या ज्यादा भी हो सकती है, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो ऐसा नहीं समझना है कि हमको प्रेगनेंसी लग गई होगी तब ऐसा हो रहा है, नहीं, ये पिल का असर है। पिल लेने के कारण इस तरीके का हो रहा है, आपकी जो डेट थी वो डिले हो रही है। अब आपको करना क्या है कि आपकी पीरियड अच्छे से आ जाए, जल्दी आ जाए, समय पे आ जाए, क्योंकि जो अनमेरिड कपल होते हैं वो टेंशन में आ जाती है अब हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, कर आप ये सकते हैं कि पहले बात तो आप वेट करें, स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस से क्या होता है, आपके पीरियड और भी लेट आते हैं, तो पीरियड तो आपको आ जाएंगे क्योंकि वो पिल लेने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो पीरियड आपके आ जाएंगे। आपको वेट करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि हार्मोन काफी गड़बड़ हो जाते हैं स्ट्रेस लेने की वजह से। आपको अच्छी डाइट लेनी, एक हेल्दी डाइट लेनी है, जिसमें गर्म चीजें आप ले सकते हैं, गुड़ हो गया, अजवाइन पानी हो गया, जीरा पानी हो गया। ये आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता इन होम रेमेडीज का। बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, आप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। उस तरीके से बना के आप डेली खाली पेट में ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेंगे तो आपके पीरियड जो है जल्दी आएंगे, और 1-2 महीने तक आपके पीरियड इस तरीके से इरेगुलर रहेंगे, यानी कि जो डेट थी उस पे ना आकर थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, और डेट भी हमेशा के लिए आपकी चेंज हो जाएगी, जो कि बहुत ही कॉमन है। काफी ज्यादा वीडियोज में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो डेट भी आपकी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये पिल लेने का असर है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट में लिखें, या फिर फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।